राहुल गांधी की मौजूदगी में भाजपा के किलेबंदी करने के लिए ठीक एक दिन पहले ही कांग्रेस के उसके साइड इफेक्ट दिखाने लगे हैं। इसके चलते बुधवार को भाजपा ने भरतवाहिनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। भरतवाहिनी पार्टी के जयपुर जिला अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने अपने साथ में भाजपा ज्वाइन की है और इसके साथ में घनश्याम तिवाड़ी के कांग्रेस का दामन थामने के बाद ही अब उनकी टीम के लोगों की भी भाजपा में घर वापसी हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर के कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण करवाई है। दौरान सैनी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का बीजेपी में आने का काम बहुत पहले ही शुरू हो गया था। तिवाड़ी कांग्रेस में चले गए लेकिन दूसरे लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। विमल अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी में रह चुके कार्यकर्ता फिर से भाजपा की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लोकसभा चुनाव में करेंगे। बहुत पहले ही ये काम शुरू हो गया था, वो हमारे पार्टी में थे, एक संगठन बनाया, उसको राजनीतिक स्वरूप दिया और फिर कांग्रेस में कल वो चले गए। बाकी लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ बंधे थे, वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में उन्होंने ज्वाइन किया है, हमने उनको सदस्यता। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।